गुलेरिया पुलिस ने हत्या के आरोप में तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में सीओ चौरी चौरा डॉक्टर अखिलानंद उपाध्याय ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में खुलासा करते हुए बताया कि 14 नवंबर को नागरिकों द्वारा सूचित किया गया कि ग्राम मंगलपुर टोला के तिनहिया तालाब के पास धान के खेत में एक अज्ञात शव मिला है, जिस पर गुलेरिया पुलिस मौके पर पहुंची व छानबीन में जुट गई, जिसके संबंध में मृतक के चचेरे भाई सोमनाथ पुत्र करमली उराव निवासी गुरिया डीह थाना घागर जिला गुमला झारखंड वर्तमान पता वीर मार्का भट्टा मंगलपुर थाना गुलहरिया जनपद गोरखपुर के द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि खुद के चचेरे भाई मनोहर उराव पुत्र विष्णु उराव को 4 नवंबर को जुआ खेलने व शराब पीने के लालच देकर बहला फुसलाकर ले जाकर बांस के डंडे से मार पीट कर व गले पर बांस का डंडा लगाकर दबाकर हत्या किया गया था। सीओ चौरी चौरा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर तीन अभियुक्तों को मंगलपुर दादा मार्का ईट भट्टे के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान जगदीश पुत्र कुंजीलाल लोहार निवासी शिवसरेन घागर गुमला प्रदेश झारखंड राजेश उराव पुत्र धनी उराव निवासी जलका केन टोली घागर गुलमा प्रदेश झारखंड और कार्तिक उराव पुत्र गोपाल उराव निवासी जकला वंशी टोला घागर गुमला प्रदेश झारखंड के रूप में हुई है, जिनके पास से आला कत्ल में प्रयुक्त बांस का डंडा तथा एक फावड़ा बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि अभियुक्त के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में गुलहरिया थाना प्रभारी चंद्रहास मिश्रा कांस्टेबल राहुल कुमार चंदन चौरसिया शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ चौरी चौरा डॉक्टर अखिलानंद उपाध्याय ने कहा, ये सीएम है तीनों पकड़ दिए, एक पर पकड़ा है, एक पर पकड़ा है। कल 14 तारीख को ग्राम रघुनाथपुर कुछ ग्रामवासियों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई कि रघुनाथपुर एक धान के खेत में एक व्यक्ति का शव गड़ा पड़ा है। इस सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची है, वहां पर काफ़ी भीड़ इकट्ठा हुई थी। वहां पर जो शव था, मृतक के परिजन भी आ गए थे, उनके द्वारा जो है उस शव की शिनाख्त की गई। उस मृतक का नाम मनोहर उनके परिजनों द्वारा बताया गया। ये जो है झारखंड के रहने वाले हैं, झारखंड स्टेट के, वो वही गांव वही बगल में एक मंगलपुर गांव है, वहां पर वीर मार्का भट्टा था, वहीं पर मजदूरी का एक कार्यकर्ता था। दूसरे बगल में दूसरा भी एक भट्टा था जो रघुनाथ में पड़ता है, दादा मार्का। वहां के जो तीन जो है मजदूर उस भट्टे पर गए थे और कुछ मजदूरों को एक भट्टे से दूसरे भट्टे पर ले जाने की बात को लेकर के विवाद हो गया। रघुनाथ ने ये मनोहर ने जो है वहाँ पर उनको कुछ जो है मारपीट दिया। वो समय तो वो चले गए वहाँ से, कुछ देर के बाद आए और उसको कहे कि चलो जुआ खेलना है और जो है शराब पीना, या उसको लालच देकर लेकर चले गए और ले जा करके उस बगल में एक तालाब था जहाँ मछली पालन होता है, वहीं पर गड्ढा मार्प करके गड्ढा खोद कर उसमें उसको गाड़ दिए। कल जो है ग्रामीणों द्वारा वहाँ उधर घूम कर देखा कि कुछ कुत्ते जो है खींच रहे हैं किसी चीज़ को, वहाँ जाकर देखे, देखने के बाद जो है ये मालूम हुआ किसी व्यक्ति का शव है। उसके बाद तमाम लोग वहाँ इकट्ठा हुए, उसके परिजन भी आ गए और उसको देखे और पहचान किए, पुलिस भी गई। तीन व्यक्तियों के विरुद्ध नामजद अभियोग पंजीकृत हुआ, तीनों की जो है तत्काल जो है पुलिस द्वारा जो है
सुराग रसी पता रसी करके गिरफ्तारी कर ली गई। और जिस लाठी डंडे उससे जो उसको मारा गया था वो भी बरामद हो गया। जिस फावड़ा से खुदाई करके उसकी शव को जो है गाड़ा गया था वही बरामद हो गया।